हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एडवाइस नहीं सुनकर खुद से रिसर्च करके हम एक बड़ा स्टेप ले सकते हैं। आप कम पैसे में भी बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हैं और इस पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं जिससे आपका पैसा लाइफ टाइम तक चल पाए। इस चीज को ऑथर ने भी अपनी बुक में बताया है और उन्होंने 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप भी एक स्टेप आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप अपने खर्चों में 25 गुना ज्यादा बचा सकते हैं। ऑथर पर्सनली आपके पूरे साल के खर्चों का 25 गुना अमाउंट बचाने को कहते हैं। लोग 30 गुना या उससे भी ज्यादा सेव कर सकते हैं, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आप किस मल्टीप्लायर के साथ कंफर्टेबल है। साथ ही आपको मल्टीपल साइड इनकम स्ट्रीम्स बनाने होंगे और आपको आपकी स्किल डेवलप करते रहना होगा ताकि आप जल्दी रिटायर हो सके। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर जो गेन्स या रिटर्न्स मिल रहे हैं उनको तब तक यूज नहीं करना चाहिए जब तक आपको सच में उसकी जरूरत ना हो। जब तक पॉसिबल हो उसे यूज ना करें। अगर रियल में आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप रिटायर हो सकते हैं और आपके पास एक ऐसा साइड बिजनेस है जिससे आपको पैसिव इनकम मिलती हो और आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाते हो, तो आपको आपके इन्वेस्टेड पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उस पैसे को कंपाउंडिंग करके ग्रो होने देंगे। ये आपके फ्यूचर के लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे जो आपको रेंटल इनकम मिलेगी उससे आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दे सकते हैं। अगर आपके पास किसी स्टॉक का डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड को रीइन्वेस्ट कर दे। साथ ही जैसा ऑथर ने बताया कि आपके पास फ्रीडम है रिटायर होने की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटायरमेंट ले ही। अगर आपको काम करना पसंद है तो आप लगातार काम कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, जब आप आपके रिटायरमेंट के नजदीक हो तब आप आपके 6 मंथ्स के इमरजेंसी फंड को पूरे साल भर के खर्च के जितना बढ़ा दे। आप नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए एक इमरजेंसी फंड आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा या आपको ज्यादा खर्च करने की एबिलिटी देगा ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट में से विथड्रॉ करके खर्चा ना करें। दोस्तों चौथा पॉइंट है, अगर स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है और आप नुकसान में नहीं है तो भी आप इन्वेस्टमेंट में से कम विथड्रॉ करें। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट 23% से ऊपर है और आप अपने इन्वेस्टमेंट का 3% भी विथड्रॉ करते हैं तो आप 20% के गेन्स को स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं ताकि कंपाउंडिंग होती रहे। टाइम के साथ ऐसा करने से ये बहुत बड़ा बन जाएगा और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है फ्यूचर में ज्यादा पैसे विथड्रॉ करने की। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है, आप कोशिश करें कि आप इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर रखें, क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का सबसे बड़ा बेस है। अगर आप अपने प्रिंसिपल और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट गेन्स को सिक्योर कर लेते हैं तो आपके पैसे के 30 साल से ज्यादा चलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज आप चाहे कहीं भी हो, आप अपने करंट एक्सपेंसेस से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। लेवल 2 से 5 करंट एक्सपेंसेस पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों की जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लेवल 2 जो कि सेल्फ सफिशिएंट बनना, और इसका मतलब है कि आप इतना कमाते हैं कि आप आसानी से मंथली एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं। वहीं लेवल 3 है ब्रीदिंग रूम, जिसमें कि आप मंथली सैलरी पर डिपेंड होना बंद कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, यानी जब आपके पास 3 से 5 महीनों के खर्चों के बराबर पैसा सेव है। दोस्तों लेवल 4 है स्टेबिलिटी, जिसमें आप 6 महीनों के खर्चों को सेव कर रहे हैं। और लेवल 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप कम से कम 2 सालों के एक्सपेंसेस को सेव करके रखते हैं। दोस्तों हम सभी के 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। ऑथर एक आसान तरीका बता रहे हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। आपको एक सिंपल इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी, आपके मंथली खर्चों को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसको 25 टाइम्स करना होगा। जैसे हर महीने आपका खर्च 25,000 रुपए है तो 25,000 3 लाख रुपए। अब आप इन 3 लाख को 25 से गुणा कर दे तो ये अमाउंट आता है 75 लाख रुपए। दोस्तों आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, आप सोच रहे होंगे कि कैसे इतना बचा पाएंगे। आपको ओवरवेलमिंग भी फील होगा, आपको लगने लगेगा कि इतना अमाउंट क्यों चाहिए। अल्टीमेटली आपको कितना पैसा चाहिए ये एक बड़े वेरिएबल पर डिपेंड करता है जो है द लाइफस्टाइल फैक्टर। इस फैक्टर को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ऑथर डेव रैमसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक से आपको बहुत मदद मिलेगी।
आप इस बुक की समरी ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम पर सुन सकते हैं और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्चा करके। दोस्तों कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी जिस पर आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। तो दोस्तों जब आप अपने नंबर को कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं तो ये एक परफेक्ट टाइम है। तब आपको रोजमर्रा के खर्चों को भी इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। जितना कम आपका खर्चा होगा उतना ही कम आपको पैसे चाहिए होंगे। इसके अलावा आपका जितना कम खर्चा उतना ही ज्यादा आप सेव करते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। दोस्तों हम सभी के मन में ये क्वेश्चन होता है, क्या पैसे कम खर्च करने का कोई तरीका हो सकता है और ऐसे ही लाइफ भी जी पाए जिससे हमें खुशी मिलती हो। दोस्तों पैसे तभी मायने रखते हैं जब आपको वे एक ऐसी लाइफ दे सके जिससे आपको प्यार हो। लेकिन हम शायद कभी इस बारे में अच्छे से नहीं सोचते कि हम रियल में क्या चाहते हैं। हमारी लाइफ से हम अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो रियल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हम अक्सर दूसरे को देखकर अपना पैसा खर्च करते हैं, साथ ही हमारे आसपास के लोगों की लाइफस्टाइल से इतना ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि उनके जैसे ही खर्च करने लगते हैं, एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। भले ही हमें उन चीजों की जरूरत कभी भी ना हो, हम वो खरीद लेते हैं या हम इसलिए पैसा खर्च करते हैं क्योंकि ये हमें अभी पावरफुल फील करवाती है, जबकि रियलिटी में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा पावरफुल बनाता है। दोस्तों जैसे जैसे हम ज्यादा पैसे कमाते हैं हमारी ज्यादा पैसे खर्च करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इस ट्रेंड को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नाम से जानते हैं। इसलिए ही कई बड़े पॉप स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन मिलियंस में कमा सकते हैं लेकिन फिर भी बड़े कर्ज में डूबे हुए होते हैं। वे जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले खर्च कर रहे हैं लेकिन खुद को पहले पे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, सबसे पहले खुद को पे करना ही सही है। हम अक्सर पैसा खर्च करने के बारे में सोचते हैं ताकि हमें कुछ मिल सके, लेकिन रियलिटी में जब भी हम खर्च कर रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तब हम रियल में खुद से दो चीजें ले रहे हैं। पहला वो टाइम जो हमने पैसा कमाने में लगाया है और वो फाइनेंशियली फ्रीडम जो हमें बाद में मिल सकती है। जब आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तब आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हम अपनी हिस्ट्री, अपने इमोशंस, अपनी इच्छाएं और हमारे ड्रीम सब चीजों को हम पैसा कमाने में लगा देते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें। इस लेवल पर आने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी और जितना ज्यादा आप पैसे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उतना ही ज्यादा आप इजीली हर चीज को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से बताई है जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करे, और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।